हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में बताने वाला हूं। और दोस्तों कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जुड़ी जो खबर है वो डेली आ रही है। तो दोस्तों आज भी जो है वो बहुत बड़ी खबर है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में। और दोस्तों बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जो कोड है यानी कि जो नाम है वो क्या पड़ा है, और साथ में ये पूछ रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे इसका उद्घाटन करने के लिए कि नहीं करने के लिए, और टिकट बुकिंग के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। और दोस्तों कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लेकर जो टू लेंथ का जो हाईवे निकला है इसके बारे में भी बहुत सारे दोस्त जो हैं वो पूछ रहे थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि उस जो टू लेंथ का जो हाईवे बना है उसका भी 50% काम जो अभी बाकी है, ठीक है। नाला अभी फिलहाल में बनाया जा रहा है। और दोस्तों मैं बता दूँ, अगर आप सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, दुबई इन सभी देशों से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए भी एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट कब आएगी। वैसे तो सभी लोग आप जान रहे होंगे कि 20 तारीख को पहली फ्लाइट आ रही है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर। और पहले यह था कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री करेंगे, लेकिन जो है फाइनली अब हो गया कि प्रधानमंत्री जी जो है वो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जो है वो उद्घाटन करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए जो उद्घाटन के लिए जो है जो टर्मिनल बिल्डिंग है उसी के पास जो है वो जो पंडाल है वो बनाया जाएगा, ठीक है। और इसका जो जांच करने के लिए 12 और 13 तारीख को जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी वो आएंगे और उसका मतलब देख रेख करेंगे कि किस तरह से जो है मतलब व्यवस्था हो रही है उद्घाटन की, ठीक है। तो वो 12-13 तारीख को आएंगे। अब दोस्तों बात कर रहे थे कि क्या कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का कोई कोड है कि नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जो है अभी कोड के बारे में कोई भी मतलब बात नहीं बताया गया है कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का एक कोड है। वैसे तो इसका जो नाम है वो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ही है, ठीक है। और बाकी दोस्तों एक और सवाल था कि क्या कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए टिकट बुक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए अभी जो है वो किसी भी प्रकार का टिकट बुक नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही पहली फ्लाइट आएगी श्रीलंका से, उसके बाद से शेड्यूल बना जाएगा कि कहाँ कहाँ से फ्लाइट आएंगे जाएंगे, उसके बाद से जो है हो सके तो टिकट बुक हो जाएगा, क्योंकि अभी कोई शेड्यूल नहीं बनाया गया है कि फ्लाइट इसके बाद से कहाँ कहाँ से आएगी। तो जैसे इसका शेड्यूल बन जाएगा कि फलाना देश से या फिर इस देश से जो है फ्लाइट आएगी, उसके बाद से उसका टिकट बुक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए जितने भी लोग सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, दुबई इन सभी देशों में रह रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है। तो दोस्तों गुड न्यूज़ ये है कि जैसे ही कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट आ जाती है, उद्घाटन हो जाता है, उसके बाद से जो है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जितने भी अन्य कंट्री हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, यमन हो गया, कतर हो गया, इन सभी देशों से जो है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पूरी तरह से जुड़ जाएगा, जिसमें कि श्रीलंका भी रहेगा, थाईलैंड भी रहेगा, नेपाल भी रहेगा, जितने भी बौद्ध कंट्री हैं फिर अरबियन कंट्री हैं सभी के साथ कुशीनगर एयरपोर्ट जो है वो बहुत ही आसानी के साथ जुड़ेगा। तो दोस्तों अभी देखते हैं कि पहली फ्लाइट 20 तारीख को आएगी, उसके बाद से आपको हम बताते रहेंगे, ठीक है। जो भी न्यूज आएगा वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। तो दोस्तों यही था हमारा आज का अपडेट, शुक्रिया।